हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एंड कस्टमाइज कॉलिब्री वर्डप्रेस थीम। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कॉलिब्री वर्डप्रेस थीम को कैसे इंस्टॉल करना है और उसका कस्टमाइजेशन कैसे करना है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कॉलिब्री डब्ल्यूपी थीम जो है, इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन, डेमो इंपोर्ट करना, कस्टमाइजेशन, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ये थीम क्यों अच्छा है और किस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब किस टाइप की वेबसाइट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने अपना वेबसाइट ओपन कर रखा है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से, जो बेसिक सा जो थीम रहता है 2023 का, जो बाय डिफॉल्ट थीम है, वो अभी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास अभी दो ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप वेब होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर चल रहा है 75% का डिस्काउंट। 65% का डिस्काउंट आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है, एक्स्ट्रा 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा और वो जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे फ्री डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, क्लाउड फ्लेयर का प्रीमियम CDN और Yoast SEO का प्रीमियम टूल मिलेगा और ईमेल मार्केटिंग टूल भी यहाँ पर मिलता है और डेली वेबसाइट बैकअप और डोमेन प्राइवेसी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और अगर आप किसी दूसरे वेब होस्टिंग से ब्लू होस्ट में शिफ्ट करना चाहते हो तो फ्री वेबसाइट माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो है पहला ऑफर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है, वो फायदा आपको हमारे लिंक के थ्रू होगा, बाकी सारी चीज तो आपको वैसे भी मिल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात है, अगर आपको दुनिया का कोई भी प्रीमियम थीम परचेस करना है, कोई प्रीमियम थीम, और वो भी बहुत कम प्राइस है, मान लो कि कोई $70 का थीम है और वो आपको सिर्फ $10 में परचेस करना है, ठीक है, तो इतना बड़ा डिस्काउंट जो है वो आपको मिल सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके अगर आप परचेस करते हैं तो आपको अच्छा खासा जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल लाइसेंस थीम होगा, सारा लाइसेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अपडेट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, एकदम जेन्युइन थीम है, पर आपको वहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब कॉलिब्री डब्ल्यूपी थीम को यूज क्यों करते हैं, मतलब कॉलिब्री डब्ल्यूपी थीम किस वेबसाइट्स के लिए यूज होगा। गाइस, अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो कॉलिब्री डब्ल्यूपी थीम का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब वो बिजनेस वेबसाइट हो सकता है आपकी कंपनी की वेबसाइट हो, आपकी कंपनी कोई भी टाइप की कंपनी हो सकती है, ठीक है, IT कंपनी हो सकती है या फिर मान लो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन आप इस थीम का यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, जो एडमिन बोर्ड है, यहां से हम सारी चीजें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इंस्टॉल करेंगे कॉलिब्री डब्ल्यूपी थीम को, तो उसके लिए जाएंगे अपीयरेंस में और जाएंगे थीम्स में। गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी एक्स्ट्रा थीम्स है, जैसे कि अभी ये वाला जो थीम है 2023, ये अभी इंस्टॉल्ड है फिलहाल, ठीक है, उसके अलावा दो थीम और है 2021 और 2022, ठीक है, इन थीम्स को आप एक बार डिलीट करके चलाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट पे जो लोड है वो हमेशा कम रहेगा। ठीक है, इसको हमेशा डिलीट करें और फिर आगे बढ़ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे जितना भी मतलब एक एक्स्ट्रा थीम्स, एक्स्ट्रा जो चीजें होती है ना, वो लोड जितना कम रहेगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है, स्टोरेज उतना कम भरा हुआ होगा, जितना स्टोरेज कम भरा हुआ रहता है उतना, अगर आप अपने फोन में भी देखते हैं ना, तो जैसे जैसे स्टोरेज भरता जाता है चीजें स्लो होती जाती है। ठीक है, तो बस वैसे ही बात होती है। तो यहाँ पर जो है, हालांकि इन दो थीम से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ठीक है, आदत, एक अच्छी आदत जो होती है ना वो अच्छी आदत रहती है, इसलिए उसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। अब थीम्स में जाएंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। वैसे तो कॉलिब्री डब्ल्यूपी बहुत ही पॉपुलर थीम है, ठीक है, फिर भी हम एक बार सर्च कर लेंगे। ये देखिए कॉलिब्री डब्ल्यूपी, ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कर देंगे हम। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसे एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, अब एक्टिवेट का ऑप्शन जो है आपको यहां पर भी मिल सकता है। ये देखिए, यहां पे देख सकते हो, हमने जो बचे हुए थीम से उनको डिलीट कर दिया था, अब यहां पर कॉलिब्री डब्ल्यूपी थीम आ गया है। अब जो थीम एक्टिवेटेड है वो यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिखता है और उसके नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, और ये वाला थीम जो है एक्टिवेटेड नहीं है, तो अब इसको एक्टिवेट करेंगे और ये आ जाएगा लेफ्ट नंबर पर। ठीक है, अब आप देख सकते हो, ये देखिए, ये आ गया हमारे लेफ्ट नंबर पर और ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया, ये देखिए, और ये वाला 2023 अब साइड में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस थीम को डिलीट कर देंगे, क्योंकि अच्छी आदत है ना तो इसको हमने हटा, रिमूव कर दिया है। अब यहां पर आप देख सकते हो, कॉलिब्री डब्ल्यूपी थीम, एक इकलौती थीम अभी यही है और बाकी सारी चीजें हमने जो है डिलीट कर दी है। अब इसको कस्टमाइज करने की बारी है, तो अब उससे पहले हम एक बार देख लेंगे इसको रिफ्रेश करके कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखती है। तो आप देख सकते हो, ये हमारी वेबसाइट कुछ, मतलब कोई कंटेंट है नहीं हमारी वेबसाइट में। ठीक है, तो अभी कुछ इस तरीके से हमारी थीम दिख रही है, ऑलरेडी काफी अच्छी लगने लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेमो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इसके ऊपर हमें ऑप्शन मिल जाता है मॉडर्न, क्लासिक और फुल स्क्रीन।
ठीक है, हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, हम ये चीन में से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जा सकते हैं, अगर मान लो कि ये सिलेक्टेड है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट में सिलेक्टेड डिजाइन ये कर सकते हैं, या फिर हम चेक ऑल डेमो साइट पेज यहाँ पे जा सकते हैं, वहां पे हमें जो प्रीमियम थीम्स होंगी ना वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिले, प्रीमियम जो टेम्पलेट्स होंगे वो भी हमें वहां पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपको जाना है चेक ऑल डेमो साइट, ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने का बोला जाएगा हमसे, ठीक है, तो हम उसका उसमें जाना है, और ये देखिए इंस्टॉलिंग कॉलिब्री पेज बिल्डर, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिवेटिंग कॉलिब्री पेज बिल्डर, ये प्लगइन है जो ये ऑटोमेटिकली अब इंस्टॉल करता है और ऑटोमेटिकली एक्टिव भी कर देता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है इनको इंपोर्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो वेबसाइट्स हमें यहाँ पर अवेलेबल है, बिजनेस वन, बिजनेस टू, और ये तीसरा जो है प्लम्बर की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हो सब में हमें ये प्रो दिख रहा है, प्रो मतलब हमें परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सारी जो है ऊपर की जो थीम्स थी वो फ्री थी, और नीचे जिसने जैसे आते रहते ये सारे कार्य जो प्रो होते। यहाँ पर आपको बहुत कमाल के डिजाइन देखने को मिलते हैं, अगर आप इसका प्रो वर्जन अगर एक बार ले लेते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत ही कमाल के डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे, और सारे के सारे कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव और कमाल के डिजाइन होते हैं, ठीक है। प्रो लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से कस्टमाइज करना जानते हो तो आप इनमें से फ्री में से कोई भी थीम लेके इसको अच्छा सा कस्टमाइज करके इनके कलर्स वगैरह अपडेट करके आप बहुत अच्छा बना सकते हो इसको, ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। और अब देखते हैं बिजनेस वन बिजनेस टू, हम क्या करेंगे, जो बिजनेस वन है इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो काम करते हैं हम बिजनेस टू को इंपोर्ट करते हैं, मुझे थोड़ा सा और बेटर ये लग रहा है, ठीक है, बिजनेस टू इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये प्लगइन को इंस्टॉल करने को बोल रहा है हमें, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपली इसको स्टार्ट इंपोर्टिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड और सर्वर स्पीड ये जो है आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करके दे देगा विद इन 32-40 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स के अंदर। ओके गाइस, तो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे हमारी वेबसाइट को। सो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो वेबसाइट है अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, मुश्किल से कुछ 10 से 15 सेकंड का टाइम लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है ब्लूहोस्ट की होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, तो इसका होस्टिंग का सर्वर स्पीड बहुत ही कमाल की रहती है, तो इस वजह से, और इसी का लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप भी इसका यूज कर सकते हो। तो पूरा डेमो के साथ ये वेबसाइट आ चुका हमारे सामने, ठीक है, एक प्रॉपर बिजनेस वेबसाइट जैसे दिख रहा है ये, देखिए होम, अबाउट, सर्विस, पीपल, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम एक एक पेज को अभी ओपन करके देखेंगे जल्दी से, तो ये देखिए इसका अबाउट पेज है, ठीक है, बहुत ही साफ सुथरा और कमाल का लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स ये सारी चीजें दे रखी है, प्रीमियम सर्विसेज जो कुछ भी ये प्रोवाइड करवाते हैं वो दे रखा है, ठीक है। और सर्विसेज में जाएंगे तो सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीजें सर्विस, अब ये जो चीज आपके देख रहे हो ना ये पढ़ने में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये डेमो कॉन्टेंट है, ठीक है, आप इस डेमो कॉन्टेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है, कैसे चेंज करना आगे हम देखेंगे। और पीपल, ठीक है, इसके अंदर जो टीम मेंबर्स है, टीम मेंबर्स के फोटोज होंगे, आप अपने टीम मेंबर्स की फोटो डाल सकते हो। आपको लग रहा होगा कि आपके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है या फिर इससे ज्यादा टीम है, तो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है, आप इसको ऑटोमेटिकली, आप अगर मान लो ज्यादा टीम है आपके पास तो आप एक एक रो को कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके नीचे डाल दोगे तो ये फोटोज वापस कॉपी हो जाएंगे, और फिर उनके नाम और डेजिग्नेशन चेंज करके, इमेज चेंज करके आप और ज्यादा लगा सकते हो। कम है तो आप एक रो पूरा डिलीट कर सकते हो या फिर आप एक कॉलम पूरा डिलीट कर सकते हो, ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और सारा कस्टमाइज आप कर सकते हो, इस थीम की खास बात यह है कि जितना आप कस्टमाइज करना चाहते हो उतना आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये ब्लॉग पेज है, आप जैसे जैसे नए नए ब्लॉग ऐड करते जाएंगे इसके अंदर ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस पेज भी देख लेते हैं, तो ये एक इमेज है और कॉन्टैक्ट फॉर्म है यहाँ पर, और एड्रेस और वेबसाइट और सारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमने एक बार इसका जो वेबसाइट का वो पूरी तरीके से हमने देख लिया है कि वेबसाइट किस तरीके से दिखती है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये कि हमें देखना है कि चीजें एडिट कैसे होंगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं यहां पर और डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अब हमें इसे कस्टमाइज करना है, और किसी भी थीम को कस्टमाइज करने से पहले एक बार आप देख लेना कि प्लगइन्स में जाके देख लें, कॉलिब्री पेज बिल्डर, आपको यहाँ पे जो पेज बिल्डर देखने को मिल रहा है वो कॉलिब्री पेज बिल्डर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका अपना खुद का पेज बिल्डर आता है, बाकी नॉर्मली क्या होता है कि एलिमेंटर आता है, डीवी पेज बिल्डर आता है, ठीक है, और बीवर बिल्डर आ जाता है, या फिर गुटेनबर्ग आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको कॉलिब्री का अपना खुद का पेज बिल्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इससे हम एडिट करना शुरू करेंगे, पहले तो हम जाएंगे अपीयरेंस और इसमें जाएंगे कस्टमाइज, कस्टमाइज करना होगा ना, तो कस्टमाइज करने के लिए पहले हम जाएंगे और
ये ओपन होगा, इतने में हम देख लेते हैं कि जो वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अभी आपको मजा आएगा, अभी आप इसे जब देखोगे ना इसके रेस्पॉन्सिवनेस को, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ऑलरेडी ये जो दूर दूर थे मेन्यू सब पास में आ गए। ठीक है, इतना तो रेस्पॉन्सिव है ये हमने देख लिया। अब मोबाइल व्यू देखने जा रहे हैं, ठीक है ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमने क्लिक किया और आप देख सकते हो क्या कमाल का डिजाइन है, पूरे जो है इतना कमाल का डिजाइन है, पूरा का पूरा एक वर्टिकली ऑर्डर में जम चुका है। ठीक है, जो चीजें साइड बाय साइड आ रही थी वो अप डाउन फॉर्म में आ चुका है और यहाँ पर हमारा बन गया हैमबर्गर मेन्यू, कमाल का लग रहा है। ठीक है, ये डिजाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगा और इतना फास्ट है ये थीम कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई अच्छा खासा डेमो इंपोर्ट करके बैठे हो अभी आप, नहीं ये बहुत ही फास्ट थीम है और मजा आ जाता है इसका यूज करने में। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार वापस क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज कर दिया। सो गाइज कुछ इस तरीके से हमारी कंप्लीट वेबसाइट दिखती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कस्टमाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो माई ब्लॉग। ठीक है, अब इस पर हमने एडिट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो माई ब्लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कुछ भी यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हम डबल क्लिक करता हूँ उस पर, एडिट पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी एस आर्ट ओके। तो जो हमारा लोगो है उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है, साइट टाइटल टेक्स्ट ओनली। ठीक है, अगर आप इसको इमेज भी चाहते हो, ऐसा कुछ चाहते हो तो यहाँ पर जो है आप इसको प्रो वर्जन ले सकते हो। लोगो इमेज सिर्फ अगर आपको लोगो इमेज चाहिए तो हम यहाँ पे लोगो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास फिलहाल कोई लोगो नहीं है तो मैं, अगर आपके पास लोगो बना बनाया है तो आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन मेरे कभी कोई लोगो है नहीं तो इसलिए मैं जो टेक्स्ट लोगो है वही रखूंगा। ठीक है, स्टाइलिंग का ऑप्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, इसका स्टाइलिंग का और पूरा जो इसका कस्टमाइजेशन का डिजाइन है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है बाकी के कंपेटिबली, इसका जो पूरा कस्टमाइजेशन थोड़ा डिफरेंट लगता है। लोगो टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, जो कलर आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला कलर रख दूंगा। ठीक है, वैसे तो मुझे ये वाला कलर चाहिए, थोड़ा इधर आ जाऊंगा इसको यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके जो बटन का कलर है वो मैंने यहाँ पर लोगो में भी रख दिया है। ठीक है, सेव कर दूंगा मैं इसको। एडवांस में जाएंगे तो आप जो है इसके एडवांस के जो फीचर्स होंगे वो आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि अभी ये वाला जो एडवांस सेक्शन है यहाँ पर क्लोज्ड है क्योंकि इसका जो हमने प्रीमियम वर्जन नहीं लिया है, लेकिन कोई बुराई नहीं लग रही अभी भी। यहाँ पर हम टेक्स्ट पर डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें तो हम अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हम इसका टेक्स्ट का डिफरेंस, हालांकि अभी हमने इसका जो टेक्स्ट का डिफरेंस है डिस्टेंस है इसको हमने अभी ज्यादा बढ़ाया नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो पैडिंग वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो पैडिंग बढ़ा सकते हैं, ये देखिए पैडिंग बढ़ गई है। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं और अलाइन सेंटर कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, हालांकि लोगों का जो स्पेस रहता है वो वही है तो इसलिए इसको अलाइन सेंटर करने का मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, एक बार बैक चले जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है फुटर और सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये कॉन्टेंट है इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जो एडिट करने का ऑप्शन है यहाँ पर हमें मिल जाता है और इसके बाद होता है बटन, बटन को एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर गेट स्टार्टेड नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अभी हम इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सबमिट कर देंगे। ठीक है, आप जिस चीज को भी एडिट करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है और उसका जो एडिटिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। हम इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम साइज रख सकते हो, डिस्प्ले आइकन जो है वो, डिस्प्ले आइकन का ऑप्शन प्रो है इसीलिए प्रो वर्जन रखा जाता है ताकि आप जो है फ्री के साथ खुश ना रह पाओ। ठीक है, काफी सारी चीजों को क्या है ना, अगर सभी चीजों को हम पूरी तरीके से फ्री कर देते हैं कंपनी तो कंपनी को बेनिफिट नहीं मिलता, तो चीजों को जिन लोगों को एक्चुअल में एडिट करना होता है वो लोग क्या करते हैं, इसका जो प्रीमियम वर्जन है उसको परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैं हेडिंग यहाँ पर जो हेडिंग चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्टली हेडिंग चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसका लेफ्ट साइड में नहीं दिखा रहा है, इसको डायरेक्टली यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चेंज कर दिया है तो पूरा अभी आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से एडिट हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। अब इमेज चेंज करना चाहते हैं तो इमेज चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इमेज आ गया, आप जो भी इमेज यहाँ पे लगाना चाहते हो वो इमेज लेके यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे अब ये वाला इमेज लगा हुआ है, हम इमेज से कोई भी इमेज लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जो करना है कि इमेज को हमेशा रेस्पॉन्सिव रखना, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इमेज को रेस्पॉन्सिव नहीं रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको चेंज कर देते हैं और इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, स्किप क्रॉपिंग। ठीक है, तो इमेज यहाँ पर आ गई है और इसको हमें रेस्पॉन्सिव रखना है,
बाकी जो साइजेस है हमें इसको यहाँ रखना रेस्पॉन्सिव रख देंगे, क्योंकि जब आपका जो मोबाइल व्यू आएगा यहाँ पे, जो मोबाइल व्यू आता है तो ये साइड बाय साइड चलने के बजाय ये जो है नीचे आ जाना चाहिए, वर्टिकल फॉर्म में आ जाना चाहिए, वो करना जरूरी है, नहीं तो क्या हमारी साइड जो है वो रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगी। ठीक है, और सेंटर और ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में। ठीक है, ये तीन ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, हम इसको सेंटर में रखेंगे, क्योंकि सेंटर में रखने का फायदा ये होगा जब रेस्पॉन्सिव हम करने की कोशिश करेंगे, जब इसको मोबाइल स्क्रीन में फिट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है ये सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका फायदा हमें मिलता है। तो ये चीज सब कर दी हमने, अब बटन वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो बटन के अंदर आपको अगर कोई लिंक लगाना है, ठीक है, जैसे कि ये बटन है, इस पर कोई लिंक लगाना है तो हम लिंक लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक बार यूट्यूब ओपन कर लेंगे, इस पर हमारा चैनल ओपन करेंगे। ठीक है, चैनल ओपन कर दिया, इस चैनल का लिंक उठा लेंगे, चैनल कॉपी लिंक, और यहाँ पर हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हम याद रख लेंगे कि गेट स्टार्टेड टुडे पे हम क्लिक करेंगे तब हमारे चैनल पे जाना चाहिए। ठीक है, हम इसको पब्लिश कर देंगे, जो भी हमने अभी चेंजेस किया है हम इसको पब्लिश कर देंगे। अब एक बार के लिए बटन का कलर चेंज करना भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने इस लिंक तो लगा दिया, अब इस बटन का कलर चेंज करने का देखते हैं। ये देखिए, ये बैकग्राउंड कलर है, होवर बैकग्राउंड, होवर करने पर यह पीला हो जाता है। ठीक है, हम इन दोनों कलर को चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस कलर का कलर रख देंगे इसका ग्रीन। ठीक है, और सेव कर देंगे इसको, और होवर करने पे होना चाहिए रेड। ठीक है, इसको भी हम सेव कर देंगे, इसको पब्लिश कर देंगे हम। ठीक है, तो अब ये देखिए ग्रीन है, होवर करने पे रेड हो रहा है। चलिए अब हम इसके लाइव वेबसाइट में चेक करेंगे। अभी लाइव वेबसाइट भी यहाँ पर माई ब्लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट वगैरह डाला था वो वी आर या फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट डाला था, ये सारी चीज़ें जो है अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सब चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो ये देख सकते हो PSR बटन कलर आप देख सकते हो ग्रीन, होवर करने पर रेड हो गया। डेटा मार्केटिंग एक्सपर्ट इमेज चेंज की थी तो इमेज भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखने के लिए कि इस पर लिंक लगाए कि नहीं लगाए, तो ये क्लोज कर देंगे हम, पहले से जो यूट्यूब ओपन है इसे क्लोज कर देंगे। अब इस पर क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, क्लिक करते ही ये हमारे चैनल पर लेके आ गया। ठीक है, तो क्लियर, तो इस तरीके से हम इसका पूरा जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें भी होती है जैसे कि कंटेंट वगैरह होता है हमारा। ठीक है, पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, इस पूरे पूरे ब्लॉक को हम एडिट कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट टू में जाएंगे तो कंटेंट टू ये आ गया, CTA, ठीक है, कॉल टू एक्शन, यानी कि ये जो है गेट इन टच, ठीक है, ये कॉल टू एक्शन का अलग से कंटेंट बना हुआ है। तो हर एक चीज को हम रिमूव कर सकते हैं, मान लो ये पूरा पूरा बटन, अगर ये जो पूरा एरिया है अगर इसको रिमूव करना चाहते हो तो उस एरिया को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर कॉन्टेंट के अंदर आना चाहिए, इस पर क्लिक किया, ये जो क्लॉज है अगर मैंने इसको क्लॉज कर दिया ना तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के करना, अगर आप क्लॉज करना चाहते हो तो आप इसको क्लॉज कर सकते हो, नया कोई ब्लॉक डालना चाहते हो तो ब्लॉक डाल भी सकते हो। ठीक है, तो अब इनमें से कोई अगर आपको ब्लॉक डालना है तो हम ब्लॉक डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक ब्लॉक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो क्लॉज कर दिया। तो पहले आप देख सकते हो ये वाला सेक्शन यहाँ पर नहीं था, डायरेक्ट ही आता था, तो हमने एक नया सेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप सेक्शंस को ऐड भी कर सकते हो। अब जो सेक्शन मैंने ऐड किया है ना, ठीक है, अब मैं देखता हूँ इस सेक्शन को, ये ओवरलैपेबल ये वाला सेक्शन है, इसको मैं अभी रिमूव करूंगा यहाँ से, तो ये देख सकते हो वो रिमूव हो गया वापस। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सब आप करके देख सकते हो। आप इसको थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा काम करो, थोड़ी देर बैठ के ये थोड़ा काम करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि चीजें किस तरीके से काम करती है। ठीक है, मैंने कोलिब्री WP थीम का यूज करके कोई भी बिजनेस वेबसाइट अभी तक बनाया नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी है, कोलिब्री WP थीम का यूज करके कोई बिजनेस वेबसाइट मैंने नहीं बनाया। मैंने ज्यादातर जो थीम यूज किया है वो ओशन WP है। ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए ये थीम थोड़ा नया है, और लेकिन थोड़ी देर इस पर काम करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा इस थीम का, क्योंकि बाकी सारे थीम से हल्का सा डिफरेंट है इसका जो पूरा, ये जो सेक्शंस है ना, ये डब्बे वगैरह जो बनाए हुए हैं, ये बाकी थीम्स के केस में थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पर कोलिब्री का अपना खुद का पेज बिल्डर है, जबकि दूसरों का दूसरे जो है एलिमेंटर का यूज करते हैं, डीवी बिल्डर का यूज करते हैं। डीवी बिल्डर, एलिमेंटर बहुत सारे लोगों ने बहुत यूज कर रखा है, मैंने भी बहुत यूज कर रखा है। ठीक है, लेकिन कोलिब्री का जो नया जो वेबसाइट बिल्डर है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी उससे थोड़ा अलग है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी उससे बुरा है, काफी सही चल रहा है मेरे हिसाब से। इसका जो पेज बिल्डिंग का जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरी कस्टमाइजेशन देख ली है। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज को एडिट करना है, ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगा कि किसी पर्टिकुलर पेज को एडिट करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे पेजेस में, और पेजेस में, और आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है पीपल सर्विसेस। ठीक है, किसी भी पेज में अगर आप जाओगे, जैसे अबाउट में जाएंगे, एडिट विद कोलिब्री, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सिंपल एडिट पे क्लिक नहीं करना है आपको, आपको पेज खाली मिलेगा,
सिंपल एडिट पर क्लिक करोगे तो आपको पेज खाली मिलेगा, तो आप देख सकते हो ये रहा। अब इसके अंदर हर एक चीज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये आइकन चेंज कर सकते हो, ये आइकन चेंज कर सकते हो, ठीक है, हर एक चीज आप यहाँ पे जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चेंज कर पाना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपका वेबसाइट कैसा बने कैसे बनेगा, ठीक है। तो हर एक चीज जो है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर देंगे ईमेल मार्केटिंग, सॉरी ईमेल मार्केटिंग, तो इस तरीके से ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है, इसे चेंज कर सकते हो। इमेज चेंज करना है तो चेंज पे क्लिक करो, ठीक है, जो भी इमेज लगाना चाहते हो वो इमेज लगा दो, ये देखो चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपको जो भी इमेजेस चेंज करने हैं यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ये लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पूरा कंट्रोल आपके हाथ में इस थीम में, तो आप जो भी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप इन सब इमेजेस पे आप लिंक देना चाहते हो तो लिंक दे सकते हो, ठीक है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। अब धीरे धीरे बैठ के आपको इन चीजों को सीखना है कि किस तरीके से आप एक एक चीज को एडजस्ट कर सकते हो, तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप एक बहुत ही कमाल का डिजाइन जो है यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। हर एक पेज को आप इसी तरीके से एडिट कर सकते हो, अबाउट पेज को एडिट करना है, अबाउट को करो, सर्विस को करो, पीपल करो, जो भी आप एडिट करना चाहते हो सीधे उसके पेज सेक्शन में जाओ और उसके बाद आप उसको उसके एडिट विद कोलिब्री पे क्लिक करो। ध्यान रखना एडिट विद कोलिब्री पे क्लिक करना है आपको, ना कि सिंपल एडिट पे। सिंपल एडिट पे क्लिक करोगे पेज खाली मिलेगा, क्योंकि पेजेस कोलिब्री का यूज करके बने हुए हैं इसमें, ये देखिए खाली पेज मिल रहा है। अब यहां पर भी आपको क्या बोल रहे हैं, एडिट विद कोलिब्री, एडिट इन डिफॉल्ट एडिटर आपको मिलेगा, लेकिन डिफॉल्ट एडिटर पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको जो चीज सामने मिलेगा ना वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहां पर पूरा सब कुछ बिखरा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो बना है ये बना है कोलिब्री पे, तो एडिट विद कोलिब्री पे क्लिक करने पर ही आप इसको प्रॉपरली एडिट कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो कि हमारे ऑलमोस्ट हमारे समझ के बाहर हो जाएगी चीजें, ठीक है, क्योंकि एक थीम बिल्डर ने बनाया है इस वेबसाइट को, ठीक है, बेसिक बिल्डर ने नहीं बनाया, थीम बिल्डर ने बनाया, तो इसलिए ये चीजें आपको समझना है, ठीक है गाइस। तो जो डिस्काउंट लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा, वर्डप्रेस प्रीमियम थीम का भी और साथ में होस्टिंग का भी, तो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है, और आपको 75% का डिस्काउंट होस्टिंग पे मिलेगा और लगभग 90% का डिस्काउंट आपको थीम्स पे मिलेगा, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।